यह कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की। एक बार वह गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे होटल में पहुंचा। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर आ जाइए बस। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं। तो गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने उससे वादा किया था कि अगर तुम इस जिले में 10वीं क्लास में टॉप करोगी तो तुम्हें मैं सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा, तो आप सिर्फ बच्चे के लिए पाव भाजी ले आइए। वेटर ये बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे जिले में 10वीं क्लास में टॉप किया है। वह गरीब पिता है, ज्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए कह रहा है सिर्फ बच्ची के लिए ले आओ। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, उसके लिए भी लेकर जाओ, पैसे मत लेना, 4-5 पाव भाजी पैक करवा कर ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ, और उनसे कहना ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए और जश्न मनाइए। जब वेटर 2 प्लेट पाव भाजी लेकर गया तो वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, मैंने तो एक ही मंगाई थी, मेरे पास पैसे नहीं है। वेटर बोला, अरे सर शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी हमारी बेटी ने टॉप किया है, ये मिठाइयाँ लेकर जाइए और जश्न मनाइए। पिता और बेटी खुश हो गए और चले गए। कई साल बीत गए, उस गरीब पिता की लड़की अब यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई थी। उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूँ। होटल के मालिक ने जब ये सुना तो होटल को पूरी तरह से सजवा दिया। गाँव में ये बात पूरी तरह से फैल गई और कस्बे के सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंचे। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आप मुझे पहचाने नहीं, हम वही पिता पुत्री हैं जो कि हमारे 10वीं क्लास टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री हैं, आज फिर से आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको और आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को, क्योंकि आपने गरीबी का सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी, मुझे बताया कि मुझे इतनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, इतनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसास चुकाने के लिए आई हूँ। वो मैडम ये सब कहते जा रही थी और आंखों से आंसू बहती जा रही थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, हो सके तो उसकी मदद करना, और अगर मदद ना कर सको तो उसका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वो सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नजर में अच्छा बनिए, जहाँ भी रहिए कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा।